हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि टॉप 5 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो नंबर 1 पर सॉफ्टवेयर को मैंने रखा है 3D डिजाइन के लिए, वो है ब्लेंडर। ब्लेंडर मेरे ख्याल में सबसे अच्छा और बेस्ट सॉफ्टवेयर है 3D डिजाइन के लिए। अगर आप बिगिनर है और स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार 3D डिजाइन, तो आप ब्लेंडर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ब्लेंडर फ्री में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसमें प्रैक्टिस और स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लेंडर में बहुत सारे फीचर्स है, इसमें आप मॉडलिंग कर सकते हैं, इसमें आप 3D 2D एनिमेशन मूवी बना सकते हैं, इसमें VFX पे काम भी कर सकते हैं, रिगिंग वगैरह सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। तो अगर ब्लेंडर मतलब अगर आप बिगिनर हैं तो ब्लेंडर आपके लिए सबसे बढ़िया और बेस्ट सॉफ्टवेयर है मेरे ख्याल में, और इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स और फंक्शन हैं। जब आप ये स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या क्या फीचर इसमें है। ठीक है, तो इस पे आप अगर मैं इसके वेबसाइट में फीचरिंग सेगमेंट में जाऊँ, दिखेगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स इंक्लूडेड है। सबसे पहले इसको आप देख लेंगे कि रेंडरिंग है। ठीक है, तो एक तो ये रेंडर इस सॉफ्टवेयर में आप रेंडर कर सकते हैं, दूसरा है कि मॉडलिंग, कितने सही मॉडल ये बना सकते हैं आप, इतना डिटेलिंग में और बहुत अच्छे से ये मॉडलिंग कर सकते हैं। थर्ड है कि स्कल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है, और एनिमेशन और रिगिंग तो है ही इसमें कर सकते हैं, और 2D स्टोरी बोर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप VFX से कम भी ब्लेंडर से कर सकते हैं, और वीडियो एडिटिंग भी इस सॉफ्टवेयर पे हो जाते हैं। बाकी सेकंड नंबर पे जो सॉफ्टवेयर को मैंने रखा है 3D डिजाइन के लिए, वो है 3D माया। तो ये ऑल्दो ये एक पेड वर्सन है, मतलब पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जो मॉडलिंग है ना, मॉडलिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आप जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे या फिर जितना काम में आप ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, तो आपको माया से अच्छा कहीं पे भी आपको मॉडलिंग के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। ज़्यादातर मॉडलिंग में या प्रोडक्शन हाउसेज में, मूवीज़ में, सब माया बेसिक ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ही मॉडलिंग होते हैं। अगर इसका मॉडलिंग का कुछ सैम्पल हम देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने डिटेलिंग का, कितना अच्छे से ये बना हुआ है। ठीक है, ये एक है। दूसरा, अगर आप इसको देखेंगे ना, कितना सही लग रहा है, ये कितना डिटेलिंग है, लग ही नहीं रहा है कि माया में बना हुआ है, लग रहा है कि रियल एक कैरेक्ट इमेज यहाँ लगा रखा है। साड़े ये वाला अब बहुत ही अच्छा, मतलब एक अलग से फील आएगा आपको। तो माया में मेड मॉडलिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। थर्ड नंबर पे जो सॉफ्टवेयर को मैंने रखा है 3D डिजाइन के लिए, तो वो है कि सिनेमा 4D। सिनेमा 4D क्या है कि सिनेमा 4D, अगर हम मान लीजिए कि आप मॉकअप वगैरह डिजाइन करते हैं ना, मॉकअप या सीन के डॉट जो होते हैं, अगर वो डिजाइन करते हैं, तो आपके लिए माया सिनेमा सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत इलास्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत सही दिखेगा। यहाँ पे आप इसके एग्जांपल पे भी देख सकते हैं कि कैसे, मतलब इसमें एनिमेटेड और ये जो आपका लैंडस्केप या फिर जो भी इलास्ट्रेशन वगैरह है, बहुत सही से इसमें डिजाइन कर सकते हैं। या फिर आप जो टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह बनाते हैं या फिर बैकग्राउंड वगैरह बनाते हैं, तो आप ये सिनेमा 4D भी बना सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है कोई भी मॉकअप वगैरह या फिर बैकग्राउंड वगैरह बनाने के लिए। तो आप इस पर यह देख सकते हैं कि यूज़ करने के बाद आपको बहुत अच्छा मतलब आउटपुट मिलेगा। फोर्थ नंबर पे जो सॉफ्टवेयर है मैंने रखा है 3D डिज़ाइन के लिए, वो है स्केचअप। स्केचअप मैंने इसलिए रखा क्योंकि स्केचअप एक फ्री वर्जन में भी आ जाते हैं और उसका आप प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं। स्केचअप क्या है, इससे बेसिकली स्केचअप है, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर है या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर है या फिर आर्किटेक्टर है, तो स्केचअप आपके लिए सबसे अच्छा और बढ़िया सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत आसानी से आप एक बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग का लेआउट वगैरह सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है डिज़ाइन करना, और इतना ज़्यादा आपको डिटेल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप 1 महीने या से 6 महीने तक इसके ऊपर ये करेंगे, स्टडी करेंगे ना, तो आप इसमें एकदम एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। स्केचअप मेरे ख्याल से अगर आप आर्किटेक्ट है या फिर इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो स्केचअप आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है। पहले तो आप स्केचअप का फ्री वर्जन यूज़ कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, आपका स्किल बढ़ेगा, तब आप वो प्रीमियम में भी सीख कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में रखा है और नंबर 5 पे जो सॉफ्टवेयर को मैंने रखा है, वो है मोडो। मोडो बेसिकली एक मॉडलिंग और टेक्सचरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचरिंग कर रहे हैं, तो मोडो बहुत ही सही सॉफ्टवेयर है। जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि स्कूल बैग या फिर शूज वगैरह है, तो वहाँ पर टेक्सचरिंग का
मॉडलिंग, उसका कलरिंग बहुत सही लगते हैं और बहुत ही रियलिस्टिक इस पर फील आ जाते हैं। तो बेसिकली यही था टॉप 5 मेरे ख्याल में। अगर आपको इसी में किसी सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज लेना है तो आप इसके वेबसाइट में जाके, ये वेबसाइट तो ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में जो बढ़िया सबसे अच्छा लगा मुझे 3D डिज़ाइन के लिए सॉफ्टवेयर, तो वही मैं हम लोगों को बताया है। आप ट्राई कर सकते हैं और बाद में कमेंट करके बता सकते हैं कैसे, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ सबकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। Thank you for watching.